उतनी खतरनाक भी होती है। इसका विकराल रूप धारण तो आपने कभी देखा भी होगा। जब इंसान तो इससे बच जाता है, लेकिन जब ये अपना विकराल रूप धारण करती है तो कभी कभी हम सोचते हैं कि इंसान तो अपना बचाव कर लेता है, लेकिन बेजुबान जानवर को क्या होगा। कहते हैं कि जिसका कोई सहारा नहीं होता, भगवान उसका सहारा होता है, और ये हमें प्रकृति में इन बेजुबान जानवरों के साथ देखने को मिलता है। इंसान तो अपना बचाव कैसे भी कर लेता है, लेकिन ये बेचारे बेजुबान जानवर ये प्राकृतिक आपदाओं का सामना कैसे करते हैं। आज हम आपको इसी इंटरेस्ट वीडियो में ऐसी घटनाएं दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा, जिसका कोई सहारा नहीं होता, भगवान उसका सहारा होता है। इस इंटरेस्ट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, इससे आपको ऐसी रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती रहेगी। जब बारिश का दौर शुरू होता है तो इंसान सबसे पहले अपना बचाव कर लेता है। आप वीडियो में देख सकते हैं, पीछे शीशे के पीछे खड़े इंसान तो अपना मनोरंजन कर रहे थे और इन गोरिल्ला बंदरों को अपनी जान बचाने के लिए कहीं छुपना पड़ रहा है। ये बेचारे पर इनकी हालत देखकर किसी को भी तरस आ ही जाएगा। किसी ने सच ही कहा है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। आप खुद वीडियो में देख लीजिए, ये इंसान आराम से मस्ती से आराम से कर रहे थे, लेकिन इतनी खतरनाक बारिश में इन गोरिल्ला बंदरों के लिए कोई जगह नहीं थी, फिर भी इन लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कहीं न कहीं जुगाड़ कर ही लिया। ऐसे कई दृश्य देखने को मिलते हैं जब जानवरों ने इतनी हालात में भी अपनी जान बचा लेते हैं, और ये अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से सुरक्षित जगह ढूंढ कर चले जाते हैं। जब प्रकृति नाराज होती है तो न जाने क्या क्या कर देती है, जिसका इंसान अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जंगल के राजा किंग यानी कि लॉयन शेर की। वैसे तो शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन जब भी जंगल में कोई आपदा होती है या किसी जब प्राकृतिक घटनाएं होती है या बारिश होती है तो क्या जंगल का राजा अपना बचाव कर लेता है? जो जंगल का सबसे ताकतवर जानवर है उसको भी प्रकृति के सामने हार मानना पड़ता है। इतनी जोरदार बारिश में जंगल का राजा भी अपनी जान बचाने के लिए इस सुरक्षित जगह देख रहा था, लेकिन अकेला होने की वजह से कुछ नहीं कर पाया। वैसे जंगल में छोटे मोटे जानवर भी ये नहीं न जाने कितने जानवर होते हैं जो इतनी दूर के बारिश में अपनी जान बचा लेते हैं। वैसे इनको एक दूसरा साथी मिल जाता है और दोनों मिलकर कई सुरक्षित जगह चले भी जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है, अगर आपके सिर पर कुदरत का हाथ हो तो कुछ भी नहीं बिगड़ता। चाहे कितनी बड़ी परेशानी या कितनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आपके सामने खड़ी हो, लेकिन बेजुबान जानवरों का कोई नहीं बल्कि इनका भगवान होता है, और ये कहीं न कहीं अपना रहने का जुगाड़ और सुरक्षित जगह ढूंढ ही लेते हैं। इंसान को सभी जीवों में समझदार और बुद्धिमान माना जाता है, लेकिन कभी कभी ये भी कुदरत के सामने हार मान लेते हैं। कुदरत का कहर होता है तो कोई बचता भी नहीं। अब आप आगे वीडियो में देख लीजिए, इंसान इनके सामने हार मान लेता है, लेकिन जंगल के बेजुबान जानवर ऐसी परिस्थितियों का सामना भी कर लेते हैं।